पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मनप्रीत ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे मामलों पर जहां केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने नक्सल मामलों में भी जमकर हमला बोला। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जीएसटी लाने के पहले बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, भारी टैक्स भरने वालों की संख्या में इजाफा होगा, टैक्स में इजाफा होगा, लेकिन असलियत में ये नहीं हुआ। 90 से 95 हजार करोड़ की आमदनी हो रही है, जबकि दो साल पहले इससे ज्यादा कलेक्शन आता था। आज तक जीएसटी के एक भी रिटर्न नहीं भरे गए हैं। आमदनी का बड़ा सेक्टर पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ग्रोथ कैसे होगा? 80 हजार करोड़ के बजट की बात कही गई थी, जबकि काम सिर्फ 60 हजार करोड़ का हुआ है। साथ ही उन्होंने नोटबंदी पर भी तंज कसा है कि हमें बताया गया था कि जीएसटी निजाम आने से टैक्स भरना बहुत सरल हो जाएगा, कंप्लायंस जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। हमें ये बताया गया था कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा, एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, पर आप ये बताएं कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि जो इंडिया की टैक्स कलेक्शन आ रही है 90, 92, 95 हजार करोड़ हर महीने, दो साल पहले जो टैक्स कलेक्शन थी पूरे स्टेट्स और सेंटर की मिला के, दो साल पहले ज्यादा कलेक्शन थी, अब कम हो गई है। मनप्रीत ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को रोजगार नहीं मिल रहा, यहां गरीबी लगातार अपना पैर पसार रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में हिंदुस्तान ने काफी तरक्की की है। अंग्रेजों के जाने के समय 16 यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आज 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ है जो कांग्रेस ने यहाँ लाए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग गैरों की झटके क्यों खाएं? छत्तीसगढ़ के लोग बाहर के राज्यों में क्यों रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरे? छत्तीसगढ़ के लोगों को गरीब समझ के कोई हंकार की निगाह से देखे? सो इस हालात को बदलने के लिए मैं आपके एतबार से आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ये दावा करने आया हूं, अपना दावा जिताने आया हूं कि कांग्रेस के हाथों में छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है, जो मुस्तकबिल है, वो रोशन है, वो मुस्ताकम है और वो महफूज है। लगातार कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक भाजपा सरकार पर हमला कर रहे हैं, साथ ही अपनी सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि लगातार कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे इन दावों का परिणाम 11 दिसंबर तक ही साफ हो पाएगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।